गुस्से में जाके कहेगा, अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना, मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना। वो पूछेगा क्या देख लेना, डेट ऑफ बर्थ का जो वन है वो ज्यादा पावरफुल है बजाय मंथ के, मंथ वाला ज्यादा पावरफुल है बजाय ईयर के। दूसरा, हर नंबर की एक निश्चित आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, एक निश्चित वाइब्रेशन होती है। तो नंबर्स का प्रभाव तो अपनी जगह है, साथ ही संगति का प्रभाव भी काफी है। वन के साथ नाइन है और वन उस पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3-4 बार आता है। तो राम राम सभी को, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द पवन सिन्हा गुरु जी शो में। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जहां हम करेंगे भारत की बात उनके साथ जो अनेक विद्याओं में पारंगत हैं, यानी डॉक्टर पवन सिन्हा गुरुजी। राम राम गुरुजी, आपका राम राम स्वागत, राम राम, खुश रहिए गुरुजी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेने वाले हैं, न्यूमरोलॉजी। इस पे बड़े सारे लोग बात कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी हम ये चीज सीखें। तो नंबर्स का क्या हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है? बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आपको 1 रुपए का नोट दूं तो आप खुश हो गए, शायद ना भी हो, ऐसे करो। फिर मैं उसको 10 रुपए का नोट दूं तो, फिर मैं 100 का नोट दूं, मैं 1000 का नोट दूं, तो है क्या, 1 के आगे 0 बढ़ते चले जा रहे हैं। तो नंबरों का प्रभाव तो पड़ता है। दूसरा, हर नंबर की एक निश्चित आवृत्ति होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, एक निश्चित वाइब्रेशन होती है, जिससे हम बहुत कुछ किसी व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के बारे में, उसकी नेचर के बारे में जान सकते हैं। किसको कितनी मेहनत करनी है, नहीं मेहनत करनी है, कम मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत करनी है, किसका सिलेक्शन कहाँ हो सकता है, किसको किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, कौन ज़िद्दी है, कौन पोलाइट है, कौन एडजस्ट करके चल सकता है, आदि आदि से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे नंबर से पता चल जाती हैं, जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स होते हैं उससे। तो नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वाह, देख रहे हैं हमारी संस्कृति कितनी महान है। नंबर्स की फ्रीक्वेंसी के आधार पर हम बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो गुरुजी, जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होते हैं उनका किस किस पर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, बताइए। देखिए, 0 to 9 ये नंबर्स हैं। 0 जो नंबर है ये जिस भी नंबर के साथ आएगा उसका गुण या दोष बढ़ा देगा, और किसी भी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट है अगर वो अच्छी है और उसके साथ 2 या 3 0 आ गए पूरी डेट ऑफ बर्थ में, तो आप समझ लीजिए सुपर डुपर हिट व्यक्ति की कुंडली, आज चाहे वो कैसा भी हो लेकिन आगे जाकर वह जरूर अच्छा निखर के आएगा। अगर स्ट्रगलिंग नंबर्स के साथ 0 है तो ऐसे व्यक्ति को तरक्की तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह बहुत स्ट्रगल नहीं करेगा, बहुत मेहनत नहीं करेगा। और अगर इमोशंस या इमोशनल नंबर्स के साथ 0 जुड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति इतना इमोशनल होता है कि अपने किसी भी काम को धीरे धीरे वो खुद ही बर्बाद कर लेता है। तो ये 0 का चमत्कार है। इसी प्रकार से हर नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अपना अलग एक स्टाइल होता है, अपनी अलग एक पावर होती है। वो हम यदि अपनी डेट ऑफ बर्थ में देखना पहचान जाए, सीख जाए, समझ में आ जाए, तो मोटे मोटी बहुत सारी चीजें हम जान सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है गुरुजी। 0 का तो आपने प्रभाव बता दिया, तो अब हम 1 पर आते हैं। 1 नंबर जो है ये व्यक्ति को संघर्ष के बाद मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाता है। संघर्ष के बाद, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इस व्यक्ति को ऐसे ही नहीं मिल जाती, चाहे वो कितने ही बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, कितने ही बड़े घर की संतान, कितनी रिच फैमिली की संतान क्यों ना हो, लेकिन उसको जो सफलता मिलेगी वो मिलेगी दौड़ भाग करके, बहुत मेहनत करके, और उसको सारे जीवन उस सफलता को बनाए रखने के लिए मेहनत करते रहना होगा। दूसरी बात, 1 नंबर सामान्यतः 2 बार तो होता है
जी इन जनरल। लेकिन अगर किसी कुंडली में वन नंबर मोर देन टू है, थ्री है, थ्री टाइम्स है, फोर टाइम्स है, तीन चार बार आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष कर सकता है। लेकिन बात वही है, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष से हार मानकर आप सोचे कि मैं विशेष कुछ कर लूंगा, वो नहीं होगा। और ज्यादातर लोग वो विशेष करने के लिए संघर्ष नहीं करते, हार मानकर बैठ जाते हैं, और इसलिए कहते हैं फिर बाद में कि अरे बेकार है ये सब। लेकिन मैं आपको पहले से बता रहा हूं, तो ये नंबर वन उस कैटेगरी का है। अब यू हर नंबर पर बड़ी डिटेल बातचीत हो सकती है, क्योंकि वन नंबर है तो ये डेट ऑफ बर्थ का नंबर है, कि ये मंथ का नंबर है, क्या ये ईयर का नंबर है, इससे फर्क पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ का जो वन है वो ज्यादा पावरफुल है बजाय मंथ के, मंथ वाला ज्यादा पावरफुल है बजाय ईयर के, ठीक। और दूसरी चीज की वो वन किसके साथ है, वो वन वन के साथ है, वो तो अलग परिणाम है जैसे 11, वो वन टू के साथ है तो बिल्कुल अलग परिणाम है जैसे 12, वो वन मान लीजिए 9 के साथ है 19 तो अलग परिणाम है। इसलिए ये जो न्यूमरोलॉजी है ये बड़ा साइंटिफिक और बहुत गहरे परिणाम बता सकती है, प्रेडिक्शन दे सकती है, नेचर के बारे में बता सकती है। तो वन ये है। अब पूछोगे टू, हाँ जी, जो दो नंबर है ये इमोशंस को लाता है, और दो से अगर कहीं चार बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाएगा और धीरे 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 अच्छा खासा वो उठा हुआ व्यक्ति अपने इमोशंस की वजह से वो कहीं नीचे चला जाएगा। लेकिन दो नंबर, केवल दो नंबर अगर है तो ये इमोशंस की वजह से ऐसे व्यक्ति को भक्ति में, अध्यात्म में, जुडिशरी में बड़ी सफलता मिलती है। ये बहुत अच्छे लेखक हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, एकेडमिशियंस हो सकते हैं। थोड़ी सी जिद रहती है, और इस जिद का कभी कभी कोई कारण भी नहीं होता, इन्हें भी नहीं पता होता कि मैं क्यों जिद कर रहा हूं, अड़ गए। अगर ये अड़ना छोड़ दे तो ये दो नंबर जो है ये बहुत काम का है। मैं पूरी डिटेल में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहा हूँ, मैं मंथ की भी बात नहीं कर रहा, मैं ईयर की भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो डेट है जिस पे जन्म हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें यदि दो आता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इमोशनल होता है। तीन का बताओ जी, इंटेलेक्चुअल नंबर, डेट ऑफ बर्थ में जितना ज्यादा आएगा थ्री, उतने ही ज्यादा संघर्ष, उतने ही ज्यादा लर्निंग, और उस लर्निंग की वजह से वो व्यक्ति उतना ही प्रतिष्ठित होते हुए जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब उसकी टीचर जैसी, गुरु जैसी स्थिति बन जाएगी, चाहे वो अध्यात्म में बने, चाहे वो स्पोर्ट्स में बने, चाहे वो किसी और विधा में बने, लेकिन बनेगी जरूर। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग विद्या है गुरु जी। अब चार के बारे में बता दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी डेट ऑफ बर्थ में तीन चार बार चार आ गया जी, ये नेगेटिव हो गया, बहुत इमोशनल हो गया व्यक्ति। ज्यादा इमोशनल होना भी नेगेटिव है, अति हर चीज की बुरी है। ज्यादा प्रैक्टिकल होना भी नेगेटिव है, एक दिन सबको कुछ खो बैठते हैं। और अगर हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए तो भी नेगेटिव है कि पाकर खो दिया, पाकर खो दिया, पाकर खो दिया। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में फोर ज्यादा आ रहा है, यह जो स्त्री हैं तो वो पुरुषों से, पुरुष हैं तो स्त्रियों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। दूसरी बात, इन लोगों को बहुत छोटी छोटी बातों से बाहर निकलना होगा, नहीं तो रोते रहेंगे, रोतड़ू होते हैं, दिन भर रोते रहेंगे। लेकिन एक चीज है, मान लीजिए 14 है तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होंगे लेकिन फिर स्वयं पे काबू पाकर ये फाइट बैक करेंगे, ये भी एक बात है। दो के साथ चार है, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव हो गया। केवल चार है तो ऐसा व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा परेशान रहने का आदि हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि परेशान ना हूं तो कैसे रहूं, वो जबरदस्ती परेशान होकर रहेगा।
ये है 4। गुरुजी, इससे मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसे जैसे आपने बताया कि हर नंबर का एक अलग प्रभाव होता है, उनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जैसे आपने सिम्टम्स बताए, कुछ के नेगेटिव भी थे, तो अब अगर हम इन नेगेटिव सिम्टम्स को करेक्ट करना चाहें तो वो भी हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। उसकी ठीक उलट चलना शुरू कर दीजिए। आसान नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर, वो किस्मत आपको फोर्स करेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी उस धारा के विपरीत चलें तो लाभ हो जाएगा। तो मुझे लगता है जो लोग ये एपिसोड देखेंगे और उनको जब रियलाइज होगा कि ऐसी ऐसी चीजें नेगेटिव उनके साथ हो रही हैं, और जब वो उसकी विपरीत करने का ट्राई करेंगे, तो उनको और फोर्स मिलेगा, उनको और शक्ति मिलेगी कि वो ढंग से करें, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये नंबर्स का प्रभाव है। गुरु जी, आगे हम 5 नंबर पर चलते हैं। 5 नंबर वाला व्यक्ति सिद्धि बहुत होता है, कर्मठ भी बहुत होता है, तेजस्वी होता है, और कुछ बहुत विशेष पाना चाहता है, लेकिन उसको जल्दबाजी बहुत होती है हर चीज को पाने की। इस चक्कर में वो रिश्ते भी खोता है, और इस चक्कर में अच्छा करियर भी खोता है, और इस चक्कर में कोई भी चीज पूरी नहीं करता, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और दायित्व। ये इसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ अगर 1 जुड़ गया है तो ऐसा व्यक्ति कुछ बड़ा काम करेगा। तो उधर मान लीजिए 15 है डेट ऑफ बर्थ, और में जन्म है, यानी फिर 1-5 है, और फिर 1951 में 1-5 और है, अरे तो ये आदमी आकार जबरदस्त करके दिखाएगा, अपने कुल का दीपक बन जाता है ये व्यक्ति। अच्छा, मैं एक बात बताऊं जी, इसकी ना किस्मत बहुत अच्छी होती है। वो कैसे? अगर कुछ उसे नहीं भी आता है, बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे समस्त विद्याओं का स्वामी यही व्यक्ति है, अपना काम बड़े आसानी से चला लेता है, तो ये इस नंबर की खासियत है। बड़ा विशेष नंबर है ये 5 तो। गुरु जी, अब नंबर 6 युक्ति। नंबर 6 युक्ति, कला, कहीं से भी अपना काम निकाल ले जाएगा, तुरंत पलटता है ऐसा व्यक्ति। बहुत गुस्से में, जैसे हो जाना गुस्से में, जाके कहेगा अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना, मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना, मेरे पैसे नहीं दिए तो देख लेना। वो पूछेगा क्या देख लेना, फिर कभी दे देना। युक्ति निकालना जानता है, अपने आप को बड़े आसानी से चेंज कर लेता है, और ये बड़ा अच्छा कलाकार है। ठीक है ना? तो 2 के साथ अगर ये मिल गया, जैसे 26 26 है, 36 तो होती नहीं किसी की, 26 है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा अच्छा कलाकार हो सकता है, लेकिन रात में रोएगा जबरदस्ती, कभी पैसों की वजह से, कभी प्रतिष्ठा की वजह से, कभी मित्रों की वजह से, किसी ना किसी वजह से ये तो बैठ जाएगा, और ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं, जबकि सब कुछ मिल रहा है, रियलाइजेशन नहीं होता। 1 के साथ अगर ये 6 है तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा, और वो अकाउंट से रिलेटेड कामों में उसकी महारत होगी, और उसके साथ साथ वो शेयर आदि मार्केट जैसे होते हैं ना इस टाइम, यहाँ वो कमाल करेगा, और उसके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि रिस्क लेते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, ये उसके अंदर टेंडेंसी है। तो 6 इस प्रकार से अच्छा नंबर है। गुरु जी, अब नंबर 7 के बारे में कुछ बताइए। 7 नंबर कभी कभी बहुत नेगेटिव टेंडेंसी देता है, डरा के रखता है, बिना ही मतलब डर रहा व्यक्ति, बिना ही मतलब, बालकनी में खड़ा के बालकनी गिरता नहीं जाएगी, कमरे में बैठा हुआ पंखा देख रहा है कि मेरे ही ऊपर गिरेगा आके थोड़ी देर बाद, इस प्रकार से उसकी ना टेंडेंसी हो जाती है, हर वक्त मर मर के जीता है। लेकिन इसके साथ अगर 1 आ जाए, बड़ा जबरदस्त कलाकार होता है, अपना काम मुस्तैदी के साथ निभाता है, और बड़ा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और स्टेबिलिटी भी आती है, बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ों को बदलना नहीं चाहेगा, और बदलेगा तो नुकसान होगा, तो ये स्टेबिलिटी के साथ रहते हैं, फिर ये एक खास चीज है। और अगर 2 के साथ है तो जो परिवार है इनका, अगर वो इन्हें इमोशनल सपोर्ट कर दे तो ये व्यक्ति बड़ा उच्च कोटि का कुछ काम करके दिखाते हैं, कला के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी। लेकिन परिवार अगर साथ ना दे, कोई मित्र हो तो वो भी साथ ना दे, तब ऐसे लोग बिखरने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी
भीतर इनके कलाकार होता है किसी भी चीज को लेकर, चाहे वो पाक विद्या ही क्यों ना हो। तो जीवन में कभी भी ये लोग फंसे, कोई परेशानी हो, तो अपने भीतर की कला को टटोले और आगे बढ़ जाए, आप पीछे नहीं रह सकती। तो गुरु जी का मार्गदर्शन जब हो हमारे साथ तो डरने की क्या बात। आप सभी लोग इन सब चीजों को जरूर नोट करिए और अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं इस विद्या के आधार पर, वो जरूर जानिए और वो जरूर करिए, उन चेंजेस को लाइए। गुरु जी नेक्स्ट नंबर, नंबर 8 नंबर, व्यक्ति गैम्बलिंग से जीत जाता है, किसी चीज पे दांव लगा दिया, जीत गया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को धीरे 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 बढ़ना होता है, तो धैर्य बहुत चाहिए। अगर धैर्य इस व्यक्ति का चूक गया तो ये नुकसान उठाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान उठाएगा, और ऐसे व्यक्ति को शरीर में दर्द का सामना करना पड़ता है एक अवस्था के बाद। 1 के साथ 8 है तो ये कुछ बहुत विशेष करेगा, कुछ नीचे से निकाल के लाएगा, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, वो धन हो, मतलब ऐसी कोई चीज समाज में लेके जाएगा जिसका समाज को पता ही नहीं, इसलिए हिट हो जाएगा। अगर 2 के साथ 8 है तो भी ऐसा व्यक्ति बहुत संवेदनशील होता है, उससे थोड़ा नुकसान तो होता है उसको, लेकिन फिर भी अपना जो उसका टारगेट होता है वो नहीं छोड़ता, ये उसके अंदर खासियत होती है। तो कुल मिला के ये अच्छा नंबर है और इन लोगों को अच्छे धैर्यवान लोगों के साथ ही रहना चाहिए। उच्चल लोगों के साथ अगर ये रहते हैं या ऐसे लोग जिनका पल पल में सोच बदलने लगती है उनके साथ रहते हैं तो ये भी बिगड़ जाएंगे और इनका कार्य फिर नहीं बनेगा। तो नंबर्स का प्रभाव तो अपनी जगह है, साथ ही संगति का प्रभाव भी काफी है। गुरु जी अब नंबर 9 नंबर मार्शल नंबर, जिस काम पर पिल गए सो पिल गए, और 1 के साथ 9 है तो कभी ना कभी जीवन में 1 के साथ 9 है और 1 उस पूरी डेट ऑफ बर्थ में 3-4 बार आता है, तो ये तय है कि जीवन में कभी ना कभी आप राजनीति में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे या ब्यूरोक्रेसी में अच्छी प्रतिष्ठा या जुडिशरी में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। तो कुल मिला के ये नंबर अच्छा है लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2-3 बार 9 आया है या उससे ज्यादा आया है तो ऐसे लोग किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा अपनी कुंडली जरूर जंचवा लें और उसमें से उपाय कर लें। मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं ऐसे लोगों को, एक कार्य, मंगलवार के दिन जो मजदूर होता है उसको भोजन देने का हमेशा एक नियम बना लें, ठीक है ना। मंगल को ज्यादातर लोग बजरंग बली को याद करते हैं, बहुत सारे लोग हनुमान जी के मंदिर जाते ही हैं, तो वो ये छोटा सा कार्य करना शुरू करते हैं और फिर देखिए जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो धरी रह जाएंगी और पॉजिटिव चीजों के दम पर आप आगे निकल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है सब कुछ जाना जो हमने, तो और 9 नंबर वाले अवश्य वो उपाय जरूर कर ले। तो गुरु जी अब हम बढ़ते हैं 2 क्वेश्चंस पर। गुरु जी पहला प्रश्न जो आया है उसमें नाम है मनीष के खत्री, इनके पिताजी का नाम है अशोक कुमार। तो जो मनीष हैं उनकी जन्म तिथि है 19 दिसंबर 1997, जन्म का समय है 9:38 AM, जन स्थान है इस्माइला रोहतक हरियाणा। प्रश्न है, राम राम, हम 1998 तक गांव इस्माइला रोहतक में रहते थे, 1999 से महिपालपुर नई दिल्ली में रहते हैं। अब हम वापस गांव में जाकर सीमेंट रोड़ी आदि का काम करना चाहते हैं, पहले भी यही काम करते थे, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? गांव में पैतृक भूमि पर पड़ोसियों के साथ कोर्ट केस भी चल रहा है, केस का भी क्या रहेगा केस भी देखना है, इसलिए गांव में जाना चाहते हैं। मेरे पास और मेरे बेटे के पास अब दिल्ली में कोई काम और नौकरी नहीं है। 25 फरवरी 2025 के बाद डिसीजन लीजिएगा, सफल होंगे, उससे पहले यदि कोई डिसीजन लेते हैं आप तो फिर सफलता थोड़ा कठिन होगी, मिलेगी नहीं, बल्कि मैं साफ ही कहूं तो नहीं मिलेगी, आपको आपके डिसीजन पर पछतावा होगा। तो अगले वर्ष डिसीजन नहीं, सब जरूर आप क्लियर करेंगे और लाभ होगा आपको पक्का। जी गुरुजी, अगला प्रश्न गुरुजी, इसमें जो लड़के हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1995, जन्म का समय है 5:35 AM दिल्ली,
और जो दीदी हैं उनका 2 अगस्त 1995 और जन्म का समय है 3:54 AM दिल्ली। झगड़ पड़े जी। मंगल दोनों का बहुत खराब है, इसलिए झगड़े तो आसानी से खत्म नहीं होंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल करनी पड़ेगी, मुश्किल होगी, उसके बाद ही ये अगर चला पाएंगे मैरिज को तो चला पाएंगे, अन्यथा दिक्कत होगी। शनि की भी स्थिति लड़की कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है और इस वजह से भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि चीज़ें ये लोग ठीक कर सकें, लेकिन फिर भी इसमें एक अच्छी चीज़ दिखाई देती है, वो ये है कि लग्नेश सप्तम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी बेहतरी है। यानी ये दो अगर तय कर लें कि हमें लड़ना नहीं है तो लाभ होगा, और उपाय क्या करें, ये 43 मंगलवार के दिन जो संध्या का समय होता है उसमें थोड़ा सा दूध, 2-4 बूंद दूध लेके बरगद के पेड़ पर जाएं और वहाँ मिट्टी में उस दूध को डालें और उससे फिर तिलक कर लिया करें, और शम शनिश्चराय नमः का रात में जप जरूर करा करें, बस कोई दीपक वगैरह जलाने की भी आवश्यकता नहीं, बस इतना सा जप करना शुरू कर दीजिए, और साथ ही संकल्प करिए कि छोटी मोटी बातों पर लड़ना नहीं है, अगर ये आपने निभा लिया तो रिश्ता ये निभ जाएगा, क्योंकि अभी भी समय है रिश्ते को बचाने का, और अन्यथा तो मुश्किल हो ही जाएगी, वैसे नहीं रिश्ता बचाना चाहिए, क्योंकि देखो खुद ने तो तय किया विवाह करेंगे, लोग अब क्या कहेंगे, इनको भी ताना मारेंगे और आप लोगों की वजह से आपके घर के लोग भी ताना खाएंगे, ये तो अन्याय है ना, तो अन्याय से बचें और अपने तकदीर के बुरे प्रभावों से बचें और उसके लिए हिल मिलकर साथ रहने की कोशिश करें। आपका मार्गदर्शन मिल गया है तो मुझे लगता है सब अच्छा ही होगा। तो अब फिर से ऑडियंस के लिए 3 काम, पहला आप लाइक और सब्सक्राइब करिए, दूसरा आप इस शो को फिर से रिपीट पर देखिए, मैं भी देखूंगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था जो गुरुजी ने बताया आज, और तीसरा काम शेयर जरूर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, एक बार फिर से आप सभी से विदा लेते हैं अगले थर्सडे तक, आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। जय भारत, जय भारत, जय भारत। आ आ आ